हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फोर का इंग्लिश बुक है और ये चैप्टर 13 है। इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो ये एक पोयम है। इस चैप्टर में पोएट गॉड के जो भी क्रिएशन है उसको दिखाया है और गॉड कितने महान हैं ये चीज़ दिखाया है। तो हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, All things wise and wonderful, the Lord God made them all. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी चीज़ें ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीला होता है, सभी चीज़ें ब्राइट एंड ब्यूटीफुल है, चमकीला और बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल। All creatures great and small, और सभी जीव जो हैं वो कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, या तो कोई बड़े हैं और छोटे हैं, इस तरह का सभी प्रकार के जीव हैं यहाँ पे। All things wise and wonderful, और सभी थिंग्स सभी चीज़ें वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान होता है, और वंडरफुल, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, आश्चर्य से भरे हुए हैं, मतलब सभी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से अलग हैं, सभी में कुछ ना कुछ अलग अलग गुण हैं। द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, और उन सभी चीज़ों को किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, उन सभी चीज़ों को ईश्वर ने बनाया है। इसके आगे दिया हुआ है इच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, इच लिटिल बर्ड That sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings. प्रत्येक छोटे फूल जो है जो खिलते हैं, opens मतलब खुलना होता है, तो यहाँ खिलने की बात कर रहा है। प्रत्येक छोटे फूल जो खिलते हैं, each little, प्रत्येक छोटी चिड़िया जो गाती है, प्रत्येक छोटी चिड़िया जो गाती है, he made their glowing colors, और उसके चमकीले कलर जो आँखों को अच्छे लगते हैं देखने में उसको glowing color बोलते हैं, और उसके चमकदार कलर और उसके नन्ही नन्ही पंखों को ईश्वर ने ही बनाया। इसके आगे दिया हुआ है द रिच मैन इन हिज कासल द पुअर मैन एट हिज गेट, गॉड मेड देम हाई और लॉली एंड ऑर्डर्ड देयर स्टेट। धनी व्यक्ति अपने कासल में रहते हैं, कासल मतलब महल हो गया, हवेली हो गया, इस तरह से धनी व्यक्ति अपने हवेली में रहते हैं, और द पुअर मैन एट हिज गेट, और गरीब व्यक्ति जो होते हैं उसके गेट पे रहते हैं, उसके दरवाजे पे रहते हैं। तो वहाँ पे जो गरीब व्यक्ति होते हैं अमीरों के यहाँ वो नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, इसीलिए बताया गया कि गरीब व्यक्ति उसके गेट पे रहते हैं। गॉड मेड देम हाई और लॉली, तो भगवान ने उन लोगों को बनाया है ऊँचे स्तर का और या नीचे स्तर का, ऊँचे स्तर का बनाया है या नीचे स्तर का, एंड ऑर्डर्ड देयर स्टेट, और उसके स्तर को उन्हीं ने तय किया, भगवान ने ही तय किया कि कौन गरीब होगा और कौन अमीर होगा। इसके आगे द सनसेट एंड द मॉर्निंग, सनसेट मतलब जब सूरज डूबता है, मतलब शाम हो गया, शाम और सुबह, द रिवर रनिंग बाय, और नदियां जो बहती हैं, द पर्पल हेडेड माउंटेन, और पहाड़ों के पर्पल मतलब बैगनी कलर के उसके जो हेड दिखाई देता है, उसका सिर दिखाई देता है बैगनी कलर का, दैट ब्राइटन अप द स्काई, और ऊंचे जो हम लोगों को आसमान दिखाई देता है, चमकीला आसमान, ऊपर में सबसे ऊपर जो है हम लोगों को स्काई दिखाई देता है, आसमान दिखाई देता है, और वो चमकदार दिखाई देता है, मतलब इन सारी चीज़ों को गॉड ने बनाया है। आगे देखते हैं द कोल्ड वाइन इन द विंटर द प्लीजेंट समर सन द रिप फ्रूट्स इन द गार्डन ही मेड देम एवरी वन, यहाँ पे बतला रहा है जो शीत ऋतु में, ठंड ऋतु में जो हम लोग को ठंड मिलता है, शीत ऋतु की ठंड और ग्रीष्म ऋतु की प्लीजेंट सुखद गर्मी जो मिलता है, जब ठंड से लोग परेशान हो जाते हैं और जब गर्मी मिलती है तो उसे सुखद अनुभव होता है, और बगीचों में जो पके हुए, बगीचों से जो पके हुए फल मिलते हैं हम लोगों को, ही मेड देम एवरी वन, और इन सभी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को किसने बनाया है, गॉड ने बनाया है, इन सारे चीज़ों को ईश्वर ने बनाया। द टॉल ट्रीज इन द ग्रीनवुड, घने जंगलों में ऊंचे ऊंचे जो पेड़ होते हैं, घने जंगलों में ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, द मेडोज वेयर वी प्ले, और घास के मैदान, मेडोज मतलब होता है घास के मैदान, घास के मैदान जहाँ पे हम लोग खेलते हैं, अक्सर लोग, अक्सर बच्चे जो होते हैं वो खेलने के लिए मैदान में चले जाते हैं, तो कौन सा मैदान होता है, मेडोज होता है, घास के मैदान होता है। देयर सिस बाय द वाटर वी गैदर एवरी डे, और जो पानी से प्राप्त पौधे, मतलब सभी पौधे जो है पानी से ही उगते हैं, पैदा होते हैं, तो मतलब क्रॉप्स की बातें यहाँ पे कर रहा है। द रसिस बाय द वाटर, जो पौधे हमें पानी से
बढ़े हुए उगे हुए मिलते हैं, वी गैदर एवरी डे, और उन सभी पौधों को मतलब उनसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं खाने वाली चीज़ें, तो उन सबको हम इकट्ठा करते हैं। तो हर दिन व्यक्ति जो है अपने खाने के लिए भोजन उसको इकट्ठा करता है, और ये सारी चीज़ें जो है हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है, ही गेव अस आइज टू सी देम एंड लिप्स दैट वी माइट टेल। ईश्वर ने हमें आँखें दी है उनके क्रिएशन को देखने के लिए, ईश्वर ने जो रचनाएं बनाई है उसको देखने के लिए, एंड लिप्स दैट वी माइट टेल, और हमें होठ दिए गए हैं ताकि हम उन सभी चीज़ों को, उनकी जो भी रचनाएं हैं उसके बारे में हम बोल सकें, उसके बारे में बतला सकें और ईश्वर की प्रार्थना कर सकें। हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी हु मेड ऑल थिंग्स वेल। वह ईश्वर जो इन सभी रचनाओं को बनाए हैं वह कितने महान हैं, वह कितने सर्वशक्तिमान हैं जिन्होंने सारी चीज़ों को इतने अच्छे ढंग से बनाए हैं। तो यहाँ पे यह पोयम समाप्त हो गया है, और यहाँ पे पोएट का नाम दिया हुआ है सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर, तो इस पोयम के रचयिता हैं। तो यहाँ पे समाप्त हो गया है पोयम। इसके आगे क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले दिया रहता है सभी चैप्टर में न्यू वर्ड्स, जो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उस तरह के वर्ड दिए रहते हैं, और उसका मीनिंग भी बताया रहता है। तो आप ये इसको जरूर पढ़ लें और इसको एक बार याद जरूर कर लें। इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, हु मेड ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो सभी चीज़ों को किसने चमकदार, चमकीला और सुंदर बनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गॉड। गॉड मेड ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, आपको आंसर जो है स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद व्हाट डिड गॉड मेक फॉर द बर्ड, ईश्वर ने पक्षियों के लिए क्या बनाया है, तो ईश्वर ने पक्षियों के लिए ग्लोरियस कलर और टाइनी विंग्स बनाया है। तो आंसर जो है आपको, सटीक आंसर जो है वो आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। वेयर डू द रिच मैन लिव, धनी व्यक्ति कहाँ रहते हैं, तो रिच मैन जो है अपने कासल में रहते हैं, अपने महल में रहते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ आइज फॉर अस, हम लोग आँखों का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, तो आँखों का उपयोग करते हैं गॉड के क्रिएशन, जो गॉड क्रिएशन है उसको देखने के लिए उपयोग करते हैं। वेयर डू द टॉल ट्रीज ग्रो, और ये ऊंचे ऊंचे पेड़ कहाँ पे बढ़ते हैं, तो टॉल ट्रीज जो है ग्रीन वुड में, मतलब घने जंगल में टॉल ट्री उगते हैं। इसके आगे राइट ट्रू फॉल्स यहाँ पे बतलाया गया है, तो चलिए इसको ट्रू फॉल्स कर देते हैं हम लोग। फर्स्ट में दिया हुआ है, क्रिएचर्स आर ग्रेट एंड स्मॉल, जीव बड़े और छोटे होते हैं, तो ये सही है, तो यहाँ पे ट्रू किया हुआ है। मैं यहाँ पे फिर से एक बार कर देता हूँ, ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू हो गया। द माउंटेन इज ब्लू हेडेड, तो ब्लू हेडेड नहीं था वो पर्पल हेडेड था, इसलिए यहाँ पे फॉल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो फॉल्स दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। इसको फिर से एक बार फॉल्स कर देते हैं। इसके आगे क्या दिया हुआ है, लिप्स आर टू प्रे एंड थैंक गॉड, तो बिल्कुल सही है, जो हमें होठ दिए हैं वो ईश्वर को थैंक्स करने के लिए और उसकी प्रे करने के लिए। बर्ड्स हैव नो विंग्स, पक्षियों के पंख नहीं होते, तो पंख तो होते हैं, इसका मतलब है ये फॉल्स है, इसको हम लोग फॉल्स कर देते हैं, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद वी हैव आइज टू हियर, हमें आंखें मिली है सुनने के लिए, तो आंखों से हम लोग सुनते नहीं हैं, देखते हैं, इसीलिए ये फॉल्स है, चलिए इसको फॉल्स कर देते हैं, ये हो गया फॉल्स। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है, द विंड इज कॉल्ड इन विंटर, जो हवा होती है शीत ऋतु की वो ठंडा होती है, तो बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैच करने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैच किया हुआ है, तो देख लेते हैं कि क्या ये सही है। फर्स्ट में दिया हुआ है लिटिल, तो लिटिल के साथ बर्ड्स दिया हुआ है, तो सही है, लिटिल बर्ड्स होगा। ऑलमाइटी गॉड दिया हुआ है, तो ये भी सही है, सर्वशक्तिमान ईश्वर जो होता है सर्वशक्तिमान है। टाइनी, टाइनी विंग्स होता है, नन्हे पंख, और प्लीजेंट समर, प्लीजेंट समर, तो ये भी सही है। ग्लोइंग कलर्स, चमकीले रंग, पर्पल हेडेड माउंटेन, माउंटेन का जो ऊपरी सिरा होता है वो पर्पल दिखाई देता है, तो ये भी सही है, कंप्लीटली सही है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिवाइड द गिवन वर्ड्स इन टू कॉलम्स, ये दो भागों में बांटने के लिए कह रहा है, गॉड ने किन चीज़ों को बनाया है और मनुष्यों ने किन चीज़ों को बनाया है। टेबल हो गया, तो टेबल यहाँ पे, और ट्री हो गया, ट्री इधर आ जाएगा, पेन यहाँ पे चला जाएगा, काओ, काओ यहाँ पे आ जाएगा, फॉरेस्ट भी यहाँ आ जाएगा, रेडियो इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं आपको स्क्रीन पे इसका आंसर दे दे रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे फैमिली लिखा हुआ है, तो फैमिली होगा एक ग्रुप, इसको बतला रहा है कि अब इसको एक ग्रुप में आपको लिखना है, तो ये ग्रुप हो जाएगा, फैमिली का ग्रुप है ये। और मैंगो, बनियान, नीम, टिक, गुआवा,
ये सब जो दिया हुआ है ये क्या है, ये ट्री है, ट्री। इसमें फ्रूट नहीं लिख सकते क्योंकि ये टिक का फ्रूट नहीं होता है, बनियान का कोई ऐसा फ्रूट फ्रूट नहीं होता, उसका फ्रूट हम लोग नहीं खाते हैं, तो ट्री हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कोट, फ्रॉक, जैकेट, कैप, शर्ट, ये जो है ड्रेस लिखा हुआ है तो ड्रेस हो जाएगा यहाँ पे, ये सही है। उसके बाद इंडिया, नेपाल, अमेरिका, पाकिस्तान, श्रीलंका, एक कंट्री है यहाँ पे, कंट्री हो जाएगा। रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल, और इसको बोलते हैं होली बुक, ये पवित्र ग्रंथ है, तो यहाँ पे हो जाएगा होली बुक। उसके बाद क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, ये सभी गेम हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा गेम। ये हो गया कंप्लीट। और सिक्स नंबर में यहाँ पे एक पजल दिया हुआ है और इसको कंप्लीट करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ तो ऑलरेडी कंप्लीट है, हो सकता है आपको दिखाई ना दे, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आएगा आर, टी आर डबल ई, ट्री हो गया, और इधर से हो गया स्टार। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे एम डबल ओ एन, मून हो गया, और यहाँ से एस यू एन, सन हो गया। यहाँ पे बी ई ए आर, बियर हो गया, बियर मतलब भालू होता है, और यहाँ पे बी आई आर डी, बर्ड मतलब हो गया पक्षी, और जी ओ डी, गॉड, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ओ गॉड, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ यह चैप्टर भी समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।